सो हे पोकेमन्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ पोकेमन्स स्कारलेट एंड वायलेट। गाइस, हमारे सारे बैचेस हो चुके हैं, हमारे लाइक जो स्टार जिम वो है, टीम स्टार बॉसेस है, वो चार हो चुके, एक लास्ट बाकी है। और यहाँ पे फिर से खाना पीना सारा दिया है, काट पाड़े इधर कर दे, मतलब मैं रह नहीं सकता यार, मेरे को जब भी दिखता है ना आइस वाले सारे ये वो सब कर देता हूँ। और हम लास्ट स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ये है हमारा टाइटन ड्रैगन, देखते हैं भाई टाइटन ड्रैगन जो है, जो ड्रैगन है किस टाइप का ड्रैगन है, क्या है, वह कितना ओपी होगा। और यहाँ पे वेपोरियन दिख रहा है, बट खैर इसको ऐसे करते हैं, हम वहाँ चलते हैं, सीधा उड़ते हुए यहाँ से चलेंगे, डाइव ही मारेंगे। टाइटन बेल्ट ड्रैगन देख सकते हो कि भाई ड्रैगन टाइप है वो। अब कौन सा ड्रैगन टाइप है, क्या नया ड्रैगन टाइप है, पोकेमोन क्या है, हमें मिलेगा पकड़ने के लिए, नहीं मिलेगा, मतलब टाइटन वाले दिन मिलते, मतलब बड़ा वाला, उसके अलावा बाकी मिलते हैं, मतलब उसके छोटे रूप मिल जाएंगे। तो एक बार इनको भी काट पड़ देते, कर दे कर दे, इधर काट पटाई कर रही है और उधर हम चलेंगे अपनी आसमान की ऊंचाई में। और हम ये, मैं तो सोचा यहीं से जम मारू और ग्लाइड करते हुए चलेंगे, हाँ टाइटन के ऊपर ही सीधा कूदेंगे टांट के, बस तेरी पैस किया की तरह। और जो हमें बार बार नर्स जो है जो भी है वो पोकेमोन सेंटर में कह रही थी कि वहाँ पे जाओ, आखिरकार वो टाइम आ चुका है, हमारा लास्ट टाइटन। डैम, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि हमने यहाँ तक हम आ चुके हैं, पता ही नहीं चला। इतनी बढ़िया जर्नी, इतनी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, स्पेशली ये क्या हुआ, नीचे क्यों कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया, अंदर एंटर नहीं कर सकता क्या? यस, ओ सीन आ गया शायद, ओके मुझे पीछे बैठ गया। रोटो टो टो टो, हे देयर अमृत, अरवन का फोन आया। सो रूमर हैज इट फॉल्स ड्रैगन टाइटन्स लर्स समवेयर इन दिस लेक, बट नॉट अ सिंगल पर्सन एवर कॉट अ ग्लिम्स, एक बार भी लाइक किसी ने देखा नहीं। हाउ आर वी सपोज्ड टू सर्च फॉर अ थिंग व्हेन वी डोंट, कैसे, अच्छा वो कैसे दिखता, तो हम कैसे सर्च कर पाएंगे। आई एम द टाइटन और समथिंग, अगर कह रहा है लोल, कह रहा है काश ऐसा कुछ होता कि वो चिल्लाता हुआ घूमता, आई एम द टाइटन ऐसा चिल्लाता हुआ घूमता तो हमें पता चल जाता। डैम बॉय, ओए क्या, ड्रैटनी भाई, एक और ड्रैगन पकड़ मिल चुका। बाय द वे मैंने ट्रिप भी पकड़ लिया, साइकिल सार पकड़ लिया, ये दो ड्रैगन हो चुके हैं, तीसरा ड्रैगन अब मिला हमें, एक मिनट, हाँ एक एक्स भी पकड़ लिया, चार ड्रैगन, ये चौथा ड्रैगन है 51 लेवल का। भाई साहब ये तो सीधा ड्रैगन एयर बन जाएगा, 56 पे ड्रैगन एड बन जाएगा भाई। इसको पकड़ रहा हूँ, खैर इसको यूज़ नहीं करूँगा मैं, ऐसा जस्ट पॉकेट डेस्क के लिए करूँगा मैं, बॉल करने के लिए। और क्विक बॉल से एक बार पकड़ता, प्लीज आ जाइए क्विक बॉल से यार, मान जाए यार क्विक बॉल यार काम की यार, पहले अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आ जा प्लीज़। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ यार, रेन डांस कर दिया उसने, ठीक है भाई बारिश में ना चले यार, जितना कर सकते कर ले बारिश। वन ऑफ द बेस्ट स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, मतलब ड्रैगन आई स्यूडो लेजेंडरी, और इसमें स्यूडो लेजेंडरी पता नहीं कौन है, अगर टायरेंटार मिलेगा तो भाई वो रखने वाला हूँ मैं। ओके, ओ बच गया, मेरे को लगा था कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। रेन डांस कर दिया है बट इट फेल्ड, और अल्ट्रा बॉल यूज़ करके देखते हैं। आ जा प्लीज आ जा, क्या यानी कि ड्रिपी हो गया, एक्जी हो गया, साइकिलिजार हो गया ड्रैगन, और चौथा हमारा ड्रैटिन है। ओह डैम निकल गया, मतलब चार ड्रैगन टाइप तो हमें दिख गए, अब और कितने ड्रैगन देखेंगे, मतलब कैंटो का भी ड्रैगन डाल रखे ना यार, अच्छा था। ड्रैगनाइट तो वन ऑफ द ओपीएस पोकेमोन है, सब चीज़ सीखता है भाई, सब चीज़ सीखता है, ऑलमोस्ट सब चीज़ भाई। नहीं आया, मैं तो बुरा ही मान गया भाई, ये तो बुरा ही मान गया यार, कह रहा कि अच्छी चीज़ है। और ड्रैगन डांस, डैम ड्रैगन डांस के साथ आप अपना कोई अटैक मारो, अब वो मारो ड्रैगन को भाई, दूसरा ड्रैगन भी देख रहा है, और पीछे इतने सारे एजुमेरिल मेरिल वो सारे वो घूम रहे हैं, फेरी वाटर वाटर ऑफ फेरी, आप आ जाए प्लीज़। अरे नहीं, क्यों करते यार तुम मेरे साथ, दर्द होता है भाई, बट इट फेल्ड, कितनी रेन करेगा भाई, कितनी रेन करेगा, इतना सुसू आ रहा तो ये तालाब के तूने भरा है, हैं इतना सुसू लाते कहाँ से हो ये बता, भूल भले अगर नहीं देखे तो देख लेना, उसमें एक ऐसा डायलॉग बोलता है शिवर। ओ भाई फिर से रेन डांस, इतना सुसू लाते कहाँ से हो, इतना छोटा सा है भी ये, छोड़ूंगा तेरे को, पकड़ करूँगा मैं, पकड़ के ही रहेंगे इसको, क्योंकि ड्रैगन टाइप भाई चाहिए, ड्रैगन टाइप चाहिए, साइक्लिसार को हटा दूंगा मैं इस एपिसोड में, तो अभी फिलहाल यूज़ करो, अगले एपिसोड में देखता हूँ मैं कोई नया ड्रैगन टाइप या कुछ लाता हूँ मैं, नहीं तो मेरे को फिर यार साइक्लिसार से काम चलाना पड़ेगा। जेन 9 का लेटेस्ट, इट इज़ बॉर्न लार्ज टू स्टार्ट विथ, इट रिपीडली शेड्स इट्स स्किन एज इट स्टडली ग्रोस लार्ज लॉन्गर, ओके जैसे जैसे लंबा होता जाता है तो अपनी स्किन गाय से छोड़ता जाता है, तो अरे जैसे लंबा हो वैसे वैसे स्किन छोड़ता जाता है, अपनी स्किन शेड करता जाता है। ओके तो काफ़ी सारे पोकेमोन का हो चुका है, और ओए तेरे को पकड़ूंगा पहलूँगा, उसके तो पहले पसीने छूट गए, भाग गया भाई वो, पहले भाग गया भाई, किसकी वहाँ से गैरेट हो उसकी थी। ओ भाई 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 बच गया, अच्छा वो मेन्यू सही टाइम पर खुल लिया, मेरे को डर आ रहा है तू, अभी बताता तेरे को
मेरे को डराएगा, तू फ्लाइंग और वाटर है ना, तेरे को डबल इफेक्टिव पड़ेगा, फ्लाइंग भी पड़ेगा और वो भी पड़ेगा। जा भाई जा, फॉर्म आउट, ये ले, डराता है, मैंने पकड़ रखा है गैराडोस वैसे, बट इसकी लेवल इतनी ज़्यादा है, क्या कहना है, 51 का तो ये था, इसकी देखते हैं कितनी लेवल है। ओ 50 है लेवल, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मार दे हंटर फाइंड, और एक बार मिल गया इस, मतलब अभी तक का मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक का, जहाँ तक मैं अभी गेम हूँ इस एपिसोड में, अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पाने वाला एरिया मेरे को ये लग रहा है कि 50-50 लेवल का है। तो अगर मैं देखो ग्रास वाला छोड़ दूँ या बिजली वाला यहाँ पर छोड़ दूँ, तो देखो कितना सारा एक्सपीरियंस मिलेगा पूरी टीम को, उनको तो मिलेगा मिलेगा। ओके हेल्थ वालर भाई, ये कौन है भाई? भाई तो टॉर्पीडो की तरह निकला है, जैसे मिसाइल जाती है सबमरीन से। डैम ऐसे कर तो रुक ही जाता हूँ, आ जा क्या करेगा तू। और ये पिछवाड़े में घुसते हुए मिराडोर के काट लिया एकदम उसने, हाँ पूरा काट लिया, हंस भी रहा है मिराडोर, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके ये वाटर टाइप है लेकिन डार्क है, क्या ये घोस्ट है? थंडर फैंग से मरना चाहिए, डिग चला नहीं सकता, इफेक्टिव है। ओह भाई दोनों सेम है, स्पार मार के देखता हूँ, प्लीज़ मार ही मैं मेरे को उसको बनना है। बच गया वैल्यूज, अब बच गया इससे कहीं तो मैंने फाइट ली है, और पैरालाइज भी कर दिया। अरे पॉमट रुलाएगा क्या यार? पॉमट किएगा, मुझे दूसरा पोकेमोन भी चाहिए, बोले एक साइक्लिजार और एक पॉमट मुझे चेंज करना है, मुझे लाइक थोड़े वीक लग रहे हैं, सीरियसली थोड़े वीक लग रहे हैं। ओके अल्ट्रा बॉल फेंकता हूँ मैं, प्लीज़ आ जाइए, आँखें देख रहे हो इसकी कैसे भाई, घोस्ट है क्या ये? वाटर घोस्ट वैसे, आ जा कोई, मिल गया। ओके एक और पॉकेट एक्स एंट्री हो चुकी है, और एंट्री तो पहले हुई थी, अब पता चल जाएगा किस टाइप का। वैल्यूज़ा टॉर्पेडो मिसाइल की तरह आता है एकदम, 1500-1550 एक्सपीरियंस बहुत है। साइकिक, ओके वाटर और साइकिक है, डैम। वैल्यूज़ा हैज़ एक्सेलेंट रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज, और ये अपने शरीर के कुछ हिस्सा छोड़ देगी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, एग्रिटी करने के लिए, और फिर उसी रफ्तार से प्रे की तरफ जाती है जैसे अभी मेरी तरफ आई थी। अच्छा तो अपनी गैस से अपने शरीर को वो कर देती है, शेड कर देती है कुछ पार्ट्स जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाए, और फिर चार्ज करती है अपने दुश्मनों पे। टाइम बड़ा करना पड़ेगा भाई, तू कहाँ से आ गया यार, जान दे मेरे को, सीधा ही इंटिमिडेट कर रहा है यार, तेरे को पता है सामने कौन है? मौत है तेरी, बिजली वाला पोकेमोन है तेरी पैंस, क्या निकल यहाँ से, थंडर फैंग मार 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 मार, शाबाश अवॉइडेड, करवा दे बेइज्जती। हरिकेन, ओ भाई 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 क्या एनिमेशन है यार, इसलिए मेरे को ना इसकी HP बहुत कम है, और 95 एक्यूरेसी तभी मिस हो गया, 5% की वजह से मिस हो गया। चलो खैर इसी माने हमें और एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ग्रास और वो छोड़ता जाऊँ ना आर से फाइट करने के लिए ऑटो बटल, देखो 1600 टाइम, मतलब मारने पे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, नहीं तो 1500-1550 मिला था, अभी कितना मिला गैस, 1692 मतलब ऑलमोस्ट 1700 मिला, तो 150-200 एक्सपीरियंस कम मिलता है अगर ऑटो बटल करो सो फार। ओके स्लो करो, हमें ड्रैगन टाइप को जाना, ये कौन सा पोकेमोन है? आई डोंट नो कौन सा पोकेमोन, ओह वो देखो, पहले इसको मार के देखते हैं, ये नया पोकेमोन दिख रहा है मेरे को। ओके पॉकेटेक्स हैज़ बीन अपडेटेड, तो चलो न्यू पोकेमोन, तो तात्सुगिरी उसको मार भाई, ये वेल सा, ये डॉल्फिन का बड़ा वाला रूप है। अरे तू कहाँ से आ गया? वैल्यूज़ुला नाम था ना इसका, वैल्यूज़ा का मैंने देखा नहीं किसका वो है कि नहीं भाई, दो है मेरे पे मत आइयो, ऐसे ऑटो बटल करनी पड़ेगी। जा 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 भाई, आ गया आ गया आ गया, मेरे पे आएगा घूम के भाई, ओ उसके मुंह पे लग गया सीधा, थैंक गॉड भाई ओपन कर रख लिया, एक आ गया, बच गया एक समय, दूसरा भी आ गया, दूसरे से बच गया। अच्छी ट्रिक है ना करने के लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, मतलब मेन्यू खोल के बैठ जाओ और आराम से पेल दे पॉमट पेल दे यार, बाई 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 बाई, फिर से आ जाओ। ओके उसको पेल दिया वैल्यूज़ा को, ओके मैं पेल दे, यस इसको पेल दिया। ओके पॉकेटेक्स एंट्री हो चुकी है, भाई 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 छोड़ दे, कैसे पीछे पड़ा यार, यहाँ से निकलते हैं, और गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपने टाइटन की तरफ। ओके स्लो पोक, ये क्या है? ओ भाई 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 आ गया, ओहे कितना क्लोज था, तू भी आ जा, हाँ काट ले मिराडोन को, मिराडोन से देख के डर नहीं लगता इनको, इतना यूनिक पोकेमोन है, इतना अलग सा पोकेमोन है, पर इतने एरिया में टाइटन को कहाँ से ढूंढूंगा मैं? ओ एक ट्राइटनी ठीक है, ये क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ हो, पर्वल नहीं मिलता यार, फैदर मिलता है, ये कौन सा पोकेमोन है? ओके ये शायद तासुगिरी है लेकिन येलो वाला है, अच्छा
इसके भी वो एक्सपीरियंस ले लेता। फ्री का एक्सपीरियंस तो छोड़ो मत यार, फ्री का एक्सपीरियंस तो छोड़ो मत। ऐसे मेरी लेवल अप हो गया देख रहे हो, 1000 और 500 सबको। ड्रैटिनी ड्रैटिनी स्लो पोक, अब देखते हैं और कुछ नया पोकेमॉन मिलेगा। वेलुजा ओके, स्लो पोक वेपोरियन। अरे अरे वेपोरियन वेपोरियन शायद वेपोरियन है। स्लो ब्रो स्लो पोक इतने सारे भाई, इसको पकड़ना, वेपोरियन को पकड़ूंगा। हमें मिल चुका है क्लेशियन, शायद मिल चुका है फ्लैरियन, नहीं मिला ईवी, मिल चुका है एस्पियन, मिल चुका है। अब वेपोरियन की बारी है, आई होप पहले ही आ जाए। ओके मैंने इसको रखा होगा वैसे तो। क्विक बॉल किधर है, नेटबॉल से पकड़ू क्या इसका? वैसे क्विक बॉल पहले ट्राई करता हूँ, उसके बाद नेटबॉल से देखूंगा, क्योंकि वाटर है, वाटर ऑफ बग पे एक नेटबॉल चलती है। एंड हियर वी गो, हाँ फेल करती है, मडी वाटर। ओ भाई 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 भाई, ग्राउंड तो नहीं है बट डैमेज तो बहुत कर रहा है। ओके क्या करे, इसको शहीद करवा दे थंडर। क्या करेगा इस, क्या करे क्या करे, ये मर भी सकता है, दिक्कत ही है। वैसे लेवल तो अच्छी है उसकी, 51 लेवल है। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, प्लीज़ अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, नहीं करा अब तो क्या। लेकिन पॉमट ने एक अच्छा काम कर दिया, पॉमट की जगह कुछ और रखूँगा। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक अच्छा मिला तो पॉमट की जगह कुछ और रखूँगा मैं, और साइक्लिसार की जगह मैंने सोच लिया कुछ और रखना है। साइक्लिसार के कोई नया ड्रैगन रखूँगा, अगर कोई मिलता है नया ड्रैगन तो क्या करा जाए। स्टिंग कट्टीन रखते हैं, स्टील है वो, स्टील एंड फेरी। और फिर कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की, एक हिट अगर मार दी मैंने इसको तो ही ख़त्म है, वेपोरियन मेरे हाथ से निकल जाएगा। इतना अच्छा मौका मैं नहीं चाहता कि निकल जाए। ओके नेट बॉल है गाइस, देख सकते हो कि कैचिंग नेट और उसको क्या कहते हैं, वाटर और बग टाइप को। अच्छा प्लीज़ पुइंग, अरे पुंगी बजा दी भाई, पुंगी बजा दी। स्लो बॉक पीछे देख रहा है, ये क्या हो रहा है वहाँ पे, वो देखो कितना बड़ा मुंह खोल रखा है। ओ डिफेंस थ्रो शार्पली भाई, अल्ट्रा प्लीज आ जा, वेपोरिन आ जा भाई, तेरी बाकी बहनें भी मेरे पास ही हैं। में करा उसको मैंने रखा हुआ है, पुई पुई, यस यस वेपोरिन वॉस कॉट। आखिरकार वेपोरिन भी मिल चुका है, कितने हमें मिल चुके हैं, टीवी वेपोरियन एस्पियन और लेवल भी अप हो चुकी है, अभी देखेंगे। इट्स सेल कंपोजिशन इज सिमिलर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट इट कैन बी सीन व्हेन इट्स मेल्ट्स अवे। ओके काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मतलब मेल्ट्स अवे दिखता नहीं है। ओके हमारे पास अच्छा, हमारे पास अम्ब्रियन भी तो आ गया, 4 आ चुके हैं, 3 वो और वो, इसको भाई रिवाइव करना पड़ेगा। कोई नहीं पॉमर तुमने अच्छा काम करा, मैक्स रिवाइव करूँगा नहीं, मेरे को भाई उस पर चाहिए। क्या कहते हैं गैस, इलाइट 4 में। अब पॉमट को छोड़ूंगा इन सब के ऊपर, देखो कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। जा पॉमट मार, स्लो ब्रो पे लग जा भाई, स्लो ब्रो ने मारा तो है, देखो पॉमट को मारा है, लेकिन बाकी को बाकी उससे कम एच पी आ रही है, बट जीत रहा है, जीतना मैटर करता है। हाँ जीत रहा है, क्लेवर फैदर स्लो पोक क्लो, ऑटो बैटल बेस्ट है, ऑटो बैटल बेस्ट चीज़ है इसमें, और आइटम भी अपने आप उठाता है, सारी चीज़ें करता है। अब चलो बहुत हो गया, क्या कहते हैं ड्राइटन भी दिख गया, मतलब इतना पता चल गया कि यहाँ पे फार्म करने के लिए, न्यू पोकेमोन को फार्म करवाने के लिए सबसे बेस्ट है। ओके इसको भी ले लेते हैं पहले दे से, क्योंकि टीएम भी तो बनाना है मुझे। जा 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 जा, ओ भाई वेलुजा आ गया, वेलुजा वेलुजा वेलुजा, भाई 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 बच गया मैं, देखो भाई कितने खतरनाक है, जैसा डिस्क्रिप्शन लिखा वैसे ही सीधा हमला करता है। और पॉमोट तैरते हुए जब एक पेल दस को, वो ड्रैगन एयर भी दिख रहा है, क्या ड्रैगन एयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेवल करती है ड्रैटिनी, ड्रैगन एयर बन जाएगा और उसके 56 पे हो जाएगा, क्या कहते हैं ड्रैगनाइट, जैसे कि जाते मुझे लग रहा है कि रेड में होता था। ओके तो टाइटन के पास हम आने वाले हैं, और स्लो ब्रो इससे यार रहा नहीं आता मेरे को, पता है इतने सारे ग्रुप देख के मन करता है पेलता जाऊँ, वो तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा वेलुसा। अरे 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 खोल के बैठ जाओ, आई मीन मेन्यू को चला गया, ओह वो भी है बर्माइट, ओए 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 चला जा चला जा चला जा भाई, दूसरा भी आ गया, एक के साथ दूसरा फ्री है भाई, यहाँ सेव कर लेते हैं, चला गया ना दोनों, चले गए। और तो कुछ है नहीं, स्लोपो की दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। टाइटन किधर है, टाइटन किधर है भाई, टाइटन कहाँ है भाई, यहाँ तो टाइटन ही है। ओके ये सब क्या है,
भाई पानी में, पानी से बाहर क्यों निकली हुई है? ड्रैगन टाइप है ना, तो फिर ही रख लेता ना ऊपर। ये क्या है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। शीशु वाह, ऑल द वे आउट हेयर। अच्छा हमसे कह रहा है क्या? चलो इसे लड़ लेते हैं, देखते हैं कितने लेवल है। पता नहीं कौन सा पोकेमॉन निकालेगा। लेकिन टाइटन क्यों नहीं दिख रहा भाई, कहीं इसे फाइट करने को टाइटन आएगा क्या? टाइशी, ये क्या कह रहा है? टाइशी ये तो बोलते हैं। यू हैव श्योर पुट इन सम एफर्ट कमिंग ऑल द वे ऑन योर लिटिल लेग्स। अच्छा छोटे छोटे पैरों पे, हम तो छोटे छोटे पैरों पे हैं, तू अपने पैरों पे नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या निकालेगा। कॉपर जार, स्टील एलिफेंट, और मेरे पे ग्राउंड तो मूव है, शायद बुलडोज है मेरे पे इस पर। हाँ बुलडोज है, सुपर एक्टिव। देखते हैं कितना होगा। 54 लेवल का, डैम 54 लेवल का, सुपर एफेक्टिव। और स्पीड भी गिर जानी चाहिए, स्पीड गिर चुकी। ओ भाई साहब, डिक तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, डिक बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला। मेरे पे कोई लेविटेट वाला भी नहीं है, फ्लाइंग टाइप भी चाहिए। क्या करें, मतलब पॉमट और ये तो मर जाएंगे, वो इसी से झेलना पड़ेगा। बुलडोज मार के देखता हूँ कि जमीन पे अंदर अंडरग्राउंड पे लगता है। ओके नहीं, नहीं लगता गाइस, मिस हो गया। डिक डैम भाई 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 भाई। ओके क्विक क्लो, यानी कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, पहले भी तो ज़्यादा थी। अच्छा वो कुछ मार रहा होगा, वही लग गया भाई। मत मारियो प्लीज, डिग मत मारियो, डिग मत मारियो, डिग मत मारियो। स्ट्रेंथ मारा, बच गया। स्ट्रेंथ फेरी पे काम नहीं करता ना, और स्टील पे तो करता ही नहीं। स्ट्रेंथ तो शायद नॉर्मल HM मूव होता है। चलो चला गया। ओए होए, हार्ड बैटल दिया, डिग था उसके पास। 1800 क्या भी कसर कसर पूरी निकाल दी इसकी। दोस्त लिटिल लाइफ होल्ड अप सम रियल ग्रेट स्किल्स, 5000 रुपये का समथिंग दिए। शीशु तो टाइटन किधर है यार? ओके ऐसे बात करो क्या? ठीक है भाई। ओए तो बैटल आ गई, ओ इसको पकड़ा नहीं मैंने। अच्छा पकड़ा नहीं, उसे नॉर्मल बैटल खरी थी। ओके क्विक बॉल फेंक के देखता हूँ मैं। ये वाटर है, वाटर टाइप। आजा 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 आ गया। ओके तो गाइस ये पॉकेट एक्स एंट्री हो चुकी है। तात्सुगिरी, देखते हैं किस टाइप का ये वाटर ही होगा, और क्या खास होगा इतने से पिद्दी में। बट ड्रैगन है ये। तात्सुगिरी इज एन एक्सट्रीमली कनिंग पोकेमॉन, इट फियर्स वीकनेस टू ल्यूर इन प्रे, देन ऑर्डर्स इट्स पार्टनर टू अटैक। अच्छा तो वीकनेस दिखाता है और प्रे को अपने पीछे ले आता है, फिर अपने पार्टनर को कहता है हमला कर दो। भाई ड्रैगन वाटर, इसको रख लूँ क्या? साइक्लिजर की जगह एक मेरा वाटर भी हो जाएगा और मेरा एक ड्रैगन टाइप भी हो जाएगा, इसको रखूँ क्या? तात्सुगिरी को लेकिन वो कहाँ है अपना टाइटन कहाँ है? और ये एक डिफरेंट है क्या? इसको देखेंगे डिफरेंट है। सुटान क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है क्या? सुटान, एक सुशी करता, एक सुटान करता। सुशी सुशी। ओके ये कौन है? ये अलग रूप है, अलग रूप है कैसे? अच्छा ये अलग है, मतलब है तो वही है, वाटर ड्रैगन तो है। बड़े लगा कहीं, ओ क्रिट मारा, डैम 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 डैम, हमें मिल चुका है। चलो ये तो हो गया, ये भी ड्रैगन वाटर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ड्रैगन पोकेमॉन। अच्छा इट कैमोफ्लेज इटसेल्फ बाय इन्फ्लेटिंग द, यहाँ से चलते हैं। टाशी चलो, ये भी वही है, मार दे उसको। क्या सोच रहा है? फेल दे, कहीं इन सबको तो नहीं आ रहा ना, इसलिए टाइटन आएगा। हाँ या इसके नीचे गुफा के नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड जाने वाला तो कोई है रास्ता ही नहीं है, मतलब ऐसे कोई HM भी नहीं मिला, HM लाइक मिला, ऐसा कोई मूव भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक शुशी कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है, सब अलग अलग डायलॉग बोल रहे हैं। ये शुई शी सुसु सुसु कह रहा है, ये टाशी कह रहा है, ये सुसु सु कह रहा है। भाई समझ नहीं आ रहा टाइटन को बाहर कैसे निकालें, शायद आगे जाके। ओ एक पॉकेबल दिखी मुझे, जाके देखते हैं, उठाते हैं इसको। उठा ले उठा ले, नहीं उठा रहा है लगता है, मेरे को अपना पॉकेमॉन छोड़ना पड़ेगा, शायद वो उठा सकता है। हाँ उसने उठा लिया। फ्रेश वाटर 3, क्या डाब बात यार, नीचे जाऊँ क्या फिर? ओके इधर गुफा में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बाकी इनको भी चेक करते हैं, शायद इन सबको हराना होगा। टाशी टाई क्या, टाई टाई क्या, टाशी टाई टाईशी टाइटन टाइटन। ओ ये क्या टाइटन भाई, ये तो नहीं है क्या छोटे से रूप में? है आई टाइटन, ओ भाई सब डरा दिया मेरे को। भाई ये है टाइटन,
भाई मेरे को डरा दिया इसने, और मैंने गलत पोकेमोन रखा हुआ है। एक मिनट, ये ड्रैगन नहीं है, द फॉल ड्रैगन। एक मिनट, ये तो वाटर है। हाँ ड्रैगन भी हो सकता है, लेकिन इस पर तो आ ही नहीं रहा, इस पर तो वही नहीं आ रहा सुपर इफेक्टिव। ये ड्रैगन नहीं है, अच्छा तभी लिखा हुआ है फॉल्स ड्रैगन टाइटल, और ये किसी ने देखा नहीं था क्योंकि नीचे था ये। ऐसे करता हूँ गाइस, पॉमर तो एक बार में मर जाएगा, अपना शेरू निकालता हूँ क्योंकि फ्लावर ट्रिक से एक बार में मारता हूँ उसको मैं। देखते हैं ड्रैगन है कि नहीं है, ड्रैगन पे तो उसका है नहीं, ड्रैगन नहीं है ये, क्योंकि हमारा फेरी अटैक सुपर इफेक्टिव आया ही नहीं, सिर्फ खाली वाटर है ये। एको टेल मारा और ओके नॉट वेरी इफेक्टिव, ठीक है एच पी फिर भी ज़्यादा करती है। टेरेस्टलाइज करके फ्लावर ट्रिक मारते हैं जो मेन मूव है। भले ये पता है ये लुक पहले तीनों देख लिया, स्टार्टर के फाइनल एवोल्यूशन तीनों देख लिया। क्वैक्सली का तो लास्ट वाला बहुत ही गंदा है, बेली डांसर। जो क्रोकोडाइल है उसका भी देख लिया भाई, बड़ा ही बकवास है। टोटोडाइल का जो लास्ट का है वो ज़्यादा अच्छा दिखना है, इसका ज़्यादा अच्छा। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने चूज़ करा, आप खुद देखो एक सुपर गर्ल या सुपर बैटमैन जैसी वो नहीं लगती, वैसी लुक है इसकी। आंखों में मुकट्टा पहन रखा है, कपड़े वैसे, और वो एकदम चचते हुए बिल्ली है ऑब्वियसली। ओ भाई कितना डैमेज करा ये, 55 लेवल का शायद ड्रैगन, और क्रिट की वजह से इसको इतना लगा। अवॉइड द अटैक, ची ची बोलते अब तो खत्म है। मेरी 54 है इसकी 55, लेकिन फ्लावर ट्रिक हमेशा क्रिट मारता है। और ये चला 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 ये ले फ्लावर बुके मुंह पे, ओए मरा नहीं, क्रिटिकल लगा फिर से। अच्छा अब शायद भागेगा ये, कुछ खाने जाएगा, कहाँ पर खाने जाएगा देखते हैं। टाइम कितना बड़ा पोकेमोन था यार, कैसे आया। ओहो ये ड्रैगन नहीं है, ये ड्रैगन नहीं है, कहाँ जा रहा, ओह वो दिख रहा, वो जा रहा, उसको फॉलो करना है क्या। ओके एक बार हील कर लेते हैं और इसको ऊपर रख देता हूँ, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। भाई 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 निकल मत, निकल मत, निकल मत। ये ड्रैगन मतलब ये टाइटन अच्छा था, लाइक मतलब इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, मतलब वो बोल रहा था वो टाइटन बोला उसने। ओके कितने सारे हैं, और बर्माइट का वो भी है एवोल्यूशन। ओके कहाँ गया बोरा, प्रेटी फैदर, क्लेवर फैदर, टैम। भाई पानी में यार पर्ल मिलते हैं यार, तुम ये इधर कहाँ गया वो, अरे किधर गया वो, किधर गया। ओके ये क्या है, कहाँ गया वो, आप जानते हो कहाँ, ये तो नहीं है पता चल। छोटर आ गया, आ गया, आ गया भाई, खा जाएगा उसको भी, खा जाएगा क्या। नहीं 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 दीवार थोड़ी है, वैसे दीवार की थोड़ी इसने, अच्छा हाँ अभी खाएगा ना। हाँ वो छोटा वाला क्यों अंदर चला गया, वो अर्बन आ चुका, डैम अर्बन आ गया। अरे डिड यू फाइंड द टाइटन, हाँ मिल गया भाई, बहुत बड़ा था, पानी के नीचे था। सो डैट्स इट, श्योर इज वन बिग ड्रैगन, भाई ड्रैगन नहीं है वो, वेट इज इट इवन ड्रैगन, नहीं ड्रैगन, ड्रैगन नहीं है, फिश है, वेल मछली जो कि हर भगा के हूँ। क्या हुआ, क्या हो गया, ओ उसको खा गया। हेलो द लिटिल शुशिका गॉट ईटन अप बाय द टाइटन, शीश डिडंट एक्सपेक्ट टू द सी फूड चेन। भाई तो ये खुश हो रहा है कि छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसको देखते हुए खुश हो रहा है। और डैम उसको खा के पावर आ गई इसमें, एक मिनट उसको खा के पावर आ गई, पल छोटी वाली ने हर पकाई थी कि। ओके ऐसे करते हैं, टेरेस्टलाइज करते हैं, फ्लावर ट्रिक मारते हैं, खत्म करते हैं। दिस फूड चेन गॉट मी प्रीटी फैसिनेटेड, आई एम गोना टेक इन एंड मेक अ मील ऑफ दिस बैटल। गाइस ये अब पावर अप हो चुका है, और 35 लेवल का शायद, मतलब मेरे से ऊपर है, देखते हैं। ये मेरे से लेवल कम है, देखो मेरे को मैं सोच रहा हूँ इसी को यूज़ करता हूँ, इसको ग्रेडिएंट से पटवाऊँ क्या। फ्लावर ट्रिक मारा, देखें कितनी एचपी आएगी, अभी पता चलेगा, हम ही पीट देंगे या। ओ भाई लाइट है, और ये ले खा। ओके एक बार भी नहीं गया क्योंकि अटैक बढ़ चुका है। एक और टेल मारा, नॉट वेरी इफेक्टिव, टेल विप। ओ हे पुई पुई ग्रेडेंट, पुई पुई तेरा, अब तो इसकी गिर चुकी है, इसका डिफेंस गिरेगा ना, अब शायद और डैमेज होगा, अब ख़त्म हो जाना चाहिए, आई होप सो। ओ ख़त्म हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया यार, ग्रेडेंट से पिटवाना था इसको, ये तो बच्चों का खेलता है यार, कुछ भी नहीं था टाइटन तो, ये हमारा ये बहुत गंदा लगा। ओके यार चलो बाय बाय, अब हम मेरा डन की असली पावर देख सकते हैं, वे डेड डेड, और आई होप इसका कुत्ता भी ठीक हो जाए। नॉट डैट द टाइगर टेकन ऑफ, अप नेक्स्ट ऑन द मेन्यू इज डेट हर्बा मिस्टिका। ओ ये आवाज़ कैसी, क्या हुआ आवाज़ कैसी, हेलो भाई मरा नहीं वो।
और मुझे डर क्यों लग रहा है? दोबारा आ गया तो टाइम वो द लिटिल शुशिका एस्केप द बिकम एक मिनट, लिटिल शुशिका वो बाहर आ गया क्या? हाँ बाहर आ गया। कैट टाइटन व्हाट डज दैट थिंग वांट टू फाइट? क्यों भाई वो? अच्छा ये अंदर गया था कि मैं हर्ब खा कर आया क्या, और इसको खाने का वो बड़ा वो खतरा वो गया था खतरा भाई भाई ओए एक मिनट, ओ ये ड्रैगन वाटर है ना तो उस पर प्ले रफ ही होगा यार, मुझे पता चेंज कर लेना चाहता। कोई नहीं देखते हैं, इसी से मार के देखते हैं क्या होता है। प्ले रफ निकाल देगा? प्ले रफ नहीं निकाल पाएगा उतनी जल्दी जितना फ्लावर ट्री, क्योंकि प्ले रफ क्रेट ही नहीं लगेगा। और मेरा टेरा टाइप ग्रास है नॉट फेरी, अगर फेरी ओ आई सीमेंट भाई 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 ये तो बैंड बजने वाली है, स्पीड भी गिरा रहा मेरी। बैक टू बैक फाइटर टेक डाउन, अरे वाह ओ अच्छा डैमेज करा। फिर से प्लेयर ऑफ, अभी हमारी स्पीड ज़्यादा, अभी आई फिर से आईसी विंड मत मारियो प्लीज़। ओ क्रिट नहीं, क्रिट नहीं, क्रिट भाई मेरी फिर स्पीड गिरा दी। अब अगला हमला अगर इसने कर दिया तो मैं गया भाई, ग्रेनेड मार दिया प्लीज़। ओके लगता है गाइस शेरू के जाने का टाइम आ चुका है मेरे को शहीद करने में, तो ग्रेनेड से पिटवाऊंगा, जितनी तेरी औकात है उसी से तेरे को उससे पिटवाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा क्योंकि हमारी स्पीड गिर चुकी थी। बट हमारे शेरू ने काम कर दिया, इसकी छोटे टाइटन की बीडू से ग्रेनेड उसे ग्रेनेड से बेइज्जती करवाते हैं। कम ऑन मार दे, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यस। देख लो एक टाइटन को ग्रेनेड मारा, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, आप देख सकते हो हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन, गोल्डन शब्दों में लिखा गया है कि ग्रेनेड ने एक टाइटन को मारा। और ये हमारी क्या कहते हैं वो मोहट्टा पहन के एकदम फ्लावर ट्रिक बहुत ओपी मूव है। बैक टू बैक दो टाइटन से फाइट हुई है हमारी, बैक टू बैक दो टाइटन से। अब फ्यू नाइस जॉब अमृत, दैट्स माय हार्ड वर्किंग लिटिल बर्ड। नाउ मे बी द टाइटन वाज बोथ दोस पोकेमोन टुगेदर लाइक सम काइंड ऑफ कॉम्बो मील, हो सकता है। वैसे पहले वो गुफा में गया था फिर वापस आया तो उसको खा लिया उसने, जिसकी वजह से उसको हर्बा मिश्रा की पावर मिली बड़े वाले को जो ऑलरेडी बड़ा था, फिर उसको हराया तो वो वापस निकला और उसको हर्बा मिश्रा की पावर उसके अंदर असली पावर निकलाई इंस्टेंट, उस समय नहीं आई थी तो ये चीज़ है। या फिर उस बड़े वाले के अंदर रहा थोड़ी देर तो उससे और वो एम्पलीफाई हो गया उसका, तो ये हो सकता है। मिले मिले मिली टैट मस्ट बी इट, अच्छा मिल गई शायद। ओके तो हमें बिटर स्वीट सॉल्टी और क्या था, बिटर स्वीट सॉल्टी, ये लास्ट वाली स्पाइसी हो सकती है। एक मिनट, बिटर स्वीट सॉल्टी सौर, हाँ चौथा खट्टा था सौर, और हाँ देखो स्पाइसी, पांचों फ्लेवर मिल चुके हैं गाइस हमें, बिटर स्वीट सॉल्टी सौर और ये पांचों हमारा स्पाइसी। अच्छा मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है डैम, और ये सर्कुलेशन ऑफ बूस्ट हेल्प फ्लश आउट ऑल दोस टॉक्सिन, और काफ़ी सारा पसीना भी निकाल देता है तो हमारा ये हाजमा ठीक कर देगा, मेटाबॉलिज्म काफ़ी सारा पसीना भी निकलेगा, टॉक्सिंग है जो जितने भी शरीर से पसीने से निकाल देगा। चलो गाइस खाना बन रहा है एकदम, आई होप इसका कुत्ता ठीक हो जाए और पेराडोन की असली पावर वापस आ जाए प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज़ है उसकी। स्क्विश दिस पैच, ओके बट डर रहे हैं स्पाइसी इतना ज़्यादा ना, तड़का लगा रहा है। देखो फर्स्ट ड्रैगन टाइटन डिफीटेड पाथ ऑफ लेजेंड्स, हमारे सारे टाइटन खत्म, सारे पैचेस खत्म, अब हमारा सिर्फ बचा है वो बेस का, सिर्फ बेस बाकी है। आ गया भाई, आ गया भाई इसको दूँ कि नहीं दूँ? दे देता यार, ले पिछले बार मना कर दिया था, इसका मुंह लटक गया था। यस असली पावर चाहिए, निकाल अपनी असली पावर, हो जाओ पूरा तगड़ा, दिखा दे अपने असली रंग। टैम भाई खिला तो दिया, ओह अब वर्टिकल चढ़ सकता है, यानी कि ग्लाइड भी कर सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, वर्टिकल चढ़ सकता हूँ। ओके आई गेस इट्स मैबो स्टिफ टाइम, मैबो स्टिफ टाइम। भाई 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 ठीक हो जाए यार प्लीज़, आंखें बंद करके बैठा हुआ यार, उठ जाए यार, कम ऑन बट ईट अप यार, फिर से इमोशनल करेगा क्या, सच बता दो। इट्स गोना मेक यू ऑल बेटर, हाँ स्पाइसी है, तेरा मेटाबॉलिज्म ठीक कर देगा। मैंने और अमृत ने बहुत ही अपना बेस्ट करा है ये सब करने के लिए। वी आर गोना प्ले विद योर फेवरेट बॉल एज मच एज यू वांट,
यू नो जस्ट जैसे हम पहले खेलते थे यार, सेंटी करने वाले हैं यार ये तो, पूरा इमोशनल कर देंगे। प्लीज गेट बेटर, प्लीज प्लीज हो जाए यार, डैट्स ऑल आई वॉन्ट रियली। कह रहे तेरी फेवरेट उससे बॉल से भी खेलेगा, आ गया एकदम मिराडोन भी कह रहा भाई हो जाए ठीक यार। भाई इसका अंतिम टाइम तो नहीं आ गया, हेलो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, हेलो काला कर दिया भाई अंधेरा। सस्पेंस बहुत बनाते हैं। कितना कितना सस्पेंस बनाओगे? ओ सीना है, मैं पॉजिटिव, यू डू इट योर बेस्ट। भाई इसका अंतिम टाइम आ गया क्या? भाई रो रहा है क्या? पॉकेटबॉल गिर गई, आके खोली उसने। वो खड़ा हो सकता है? वो अब चल भी रहा है? वो ठीक हो गया क्या? ये कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे कोई पेट तुम्हारे तुम्हारे पास पास आए या कोई भी आए जानवर ऐसे आके करके। वो गिर गया भाई, गिर गया। अब भाई ठीक है हो गया, शायद ठीक हो गया गाइस, मैं बस ठीक हो गया। डैम भाई कितना इमोशनल एपिसोड बनाया है उन्होंने। ये फिर कलकत्ता अंटी टाइम आ गया, नो बट मी टू कैसे हमने ठीक कर लिया। ओए होए मेरा डन भाद रख रहा है, मेरा डन कह रहा है हाँ हमने कर दिखाया। टाइम मेरा डन के बिना तो नहीं होता कैसे। वी डिड इट, मैं पॉजिटिव को हमने ठीक कर दिया। एरवन का मिशन कंप्लीटेड, वी डिड इट गाइस, वी डिड इट। इसी बात पे गाइस जिन्होंने लाइक नहीं को तो लाइक कर दो, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो। हम और भी एपिसोड और भी धाकड़ ऐसे काम करते जाएंगे, ऐसे एपिसोड एपिक लाते जाएंगे। टैम मैं पॉजिटिव गुड बॉय। रोटो टोटो टोटो ओके किसका फोन आया? हेलो अमृत इट दिस इज टूरो। वाह इसने अपने बापू की आवाज़ पहचान ली क्या? इसका बापू ही है ना वो, लास्ट टाइम तो पता था। इट सीम्स दैट मिराडोन हैज रिकर्न। अच्छा सारी पावर आ चुकी है। ओ पावर टू बैटल अभी तक आई नहीं है। डैम असली पावर नहीं आई अभी इसकी, मतलब बैटल करने। अच्छा इफ़ यू प्रेस द बी बटन टू जंप वाइल फेसिंग अ बॉल, अगर बॉल की तरफ देखते हुए जंप करते हुए अगर मैं दौड़ूंगा तो वो पकड़ बॉल को पकड़ लेगा, अगर दोबारा बी दौड़ूंगा तो नीचे आ जाएगा। ओके मुझे पता था कि तू सही है। वाह लिसन टू यू आई लाइक यू हैड एनीथिंग टू डू। भाई इसने दिया था, मैं तूने नहीं दिया था। डैट वॉइस अरवन अरवन आर यू देयर? कुछ नहीं बोल रहा, नाराज़ उसे। भाई मैं तब कब से ढूंढ रहा था तेरे को कि तेरे से कॉन्टैक्ट करने का कोई तो रास्ता मिल जाए। कह रहा है तू ही तो है जो मेरी लैब में घुस सकता है। एक्सक्यूज मी क्या? प्लीज टेक अमृत बैक टू द लाइट हाउस विद यू। कौन सा लाइट हाउस? जहाँ पे पहली बार अरवन मिला था, जहाँ पे पहली बार हमें मिराडोन मिला था, शायद वही लाइट हाउस पे। कह रहा है जहाँ पे इसने हमें मिराडोन दिया था। मैं उदास क्यों हो गया यार? क्यों उदास हो गया? रोने जैसी शक्ल बना ली। माय बॉय शिफ्ट तो ठीक हो गया है, शायद अपने पापा की आवाज़ सुन के कैसे इमोशनल हो चुका है। देखते हैं, मैं बस शिफ्ट ठीक हो चुका है, हम भी चले बैक पैक कर चुके हैं। आई गेस यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो क्या? हाँ ये तो तूने बताया कि तेरे बापू है वो, तूने स्टार्टिंग में बता दिया था। हमेशा अपने काम के बोझ के नीचे दबा रहता है, अपने सपने करता रहता है, और इतने सालों में मैंने उसकी आवाज़ सुनी भाई, इतने सालों में। और उस क्या उसे आते ही मेरे को कहते कि एक काम कर एरेंड बॉय। भाई इतना गुस्सा मत कर यार, वो काम किसी लिए कर रहा है भाई, उसका पैशन है। बट तेरे को पाल पोसने के लिए वो सब भी तो कर रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे भाई रिसर्च के लिए वो सब? अगर वो नहीं आएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? आई फील लाइक माई ब्लड्स बॉइलिंग। अरे गुस्सा मत कर यार। गाइस देखो माँ बाप का सेक्रीफाइस हम कभी नहीं समझ सकते, दिन रात मेहनत करते हैं वो। मैं सच बताऊँ इसके जैसे लाइट हाउस में ही जा रहे हैं जहाँ पे हम मिले थे। गाइस इसके जैसे डैड है ना हमेशा काम में रहते थे, मेरे डैड भी हमेशा काम में रहते थे, मेरे को कभी लाइक अपने डैड का टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैं वो सुबह निकल जाते थे, रात को जब तक आते थे मैं सो जाता था। बहुत लाइक स्ट्रगल करिए, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करिए। और जीरो से हमने फिर अपना लाइक अपना पूरा एम्पायर खड़ा करा, अपना बिजनेस खड़ा करा। लाइक जिसको नहीं पता क्यों ने मेरा सुन लेना, उसमें मैंने बता रखा अपने बारे में। तो ऐसे ही करा है भाई, बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा। तो जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ब्लेम नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को, सही बता रहा हूँ मैं। और कहाँ पर है वो लाइट हाउस? लेकिन पहले तो नॉर्थ को लेकर आऊँ जरा, नॉर्थ किधर है? क्योंकि स्कूल हमारे नॉर्थ में था। ओके ईस्ट प्रोविंस किधर है भाई? ग्रेटर क्रिएटर ऑफ पैल्डिया तो यार शायद नीचे है, नीचे होगा इसके क्योंकि स्कूल यहाँ था। ओके यार
और लाइट हाउस ओके ओ ये क्या कर रही है अच्छा ये अच्छा पोकेमोन लीग है यहाँ पर डैम यहाँ से जा सकता हूँ मैं सीधा ऊपर किधर गया लाइट हाउस ये रहा पोको पाथ लाइट हाउस यही है चलो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी है क्या इसकी बैटल पावर यहाँ पे आ जाएगी या रियल पावर डैम मतलब यहाँ पे क्यों बुलाया प्रोफेसर टोरू आ रहा है क्या और कुछ तो हुआ नहीं भाई कुछ तो हुआ नहीं आ जाए भाई यहाँ पे हमें मिला था नीचे गिरा हुआ मिराडोन भाई क्या जर्नी भैया चढ़ के देखे ऊपर वो चढ़ रहा है लेकिन ये इसकी तरह क्यों चल रहा है चढ़ जाएगा ओके यहाँ नहीं चढ़ सकता ओके ऐसे फिसल के नीचे आ सकता हूँ भाई ये कैसा है मतलब टायर वायर चला के आता ना बढ़िया जो ओके टीएम देखते हैं क्या ही ये रिपल्स ओके ओ ये क्या हुआ रुक गया शायद सीन आ चुका है ओके नीचे कोई आया ओके नीचे मैं ही आया हूँ ऊपर से नीचे सीन आया तो ये यहाँ पे क्या लैब है और प्रोफेसर टूर आने वाला है सीरियसली ये बीट में आया भाई फ्लाई टैक्सी के नाम से सुना के सीधा आया मैं वेल दिस इज द लैब ओके ये लैब है आई यूज टू कम हियर टू प्ले ऑल द टाइम एंड आई वाज गुड अच्छा जब ये बच्चा था यहाँ खेलने आता था ठीक है भाई और ये कोई एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि यहाँ पर बुलाने का भाई क्या रीज़न है लेट्स फाइंड आउट सिर्फ एक यही लैब में जा सकता है तो लैब में क्या है मिराडोन की पावर है क्या एवरीवन ऑलवेज से ही इज सम काइंड ऑफ जीनियस एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट एज अ पोकेमॉन प्रोफेसर भाई ब्रिलियंट तो है बट लेट मी टेल यू एज अ पेरेंट ही इज द बॉस भाई तू नहीं समझ सकता उन्होंने क्या क्या करा है इफ ऑल ही एवर डज हिज वर्क ही नेवर कम्स होम थोड़ा बहुत तो आ जाना चाहिए बट यार बच्चों का होता ही है मैं भी सोचता था यार मेरे डैड लाइक आ जाए थोड़ा टाइम कर पाए काफ़ी होता था अब जाके लेकिन मेरे को समझ आया कि भाई काम करना पड़ता है फैमिली का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब आदमियों को करना पड़ता है बाहर जाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ होती है चलो चलते हैं इसने लैब खोल दिया और लेट्स सी लैब में क्या है मिराडोन की असली पावर कुछ और भाई क्या उसके अंदर जो उसकी छाती में फिट करेंगे या कहीं ना कहीं कुछ होगा नए टायर बदले जाएंगे फार्मूला वन की तरह फिर से मेरा भाई सीन आया टाइम जूते रखे हैं भाई जूते दिखाएंगे पहली बार हमारे ये इतनी धूल मिट्टी हो रखी है तब से खुला ही नहीं है क्या तब से लैब बंद है ओके वो बोल रहा कुछ डब्बा सा भाई कुछ तो है भाई खुल गया कुछ वो प्रोफेसर टूरो भाई ये आई नीड योर हेल्प क्या हेल्प चाहिए आपको आ रहा हूँ मैं बचाने आपको आई नीड योर हेल्प उसके बाद प्रोफेसर अलग ही म्यूजिक होती है आई एम करंटली एट द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एरिया जीरो इन द क्रेटर ऑफ पैल्टिया अच्छा वहाँ पर है ये और वो वहाँ पे सुना है कि मिराडोन वहीं से आया आई एम रिसर्चिंग द यूनिक पोकेमॉन हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अच्छा यहाँ पे यूनिक पोकेमॉन है जैसे कि मिराडोन था और मैं तुम दोनों से मदद मांग रहा हूँ कि मेरी मदद करो एक फाइनल स्टेप के लिए ग्रेट प्रोफेसर अच्छा अपने आपको ग्रेट करा है वाह ठीक है भाई अपने मुँह मिठू बनना अपने आपको ग्रेट करा क्वेश्चन मार आगे क्या द फाइनल स्टेप किस चीज़ का बट देर इज समथिंग वी नीड फॉर समथिंग डेट कैन बी फाउंड विद इन डैट लैब क्या वट वी नीड ओ वॉलेट बुक क्या वॉलेट बुक वेट डू यू मीन दिस एक मिनट तूने लैब से चुरा ली थी ना बुक ये हाँ ये चोर आपका बेटा इसने आपकी ये किताब चुरा ली है तो वॉलेट बुक है ये अच्छा तो स्कारलेट में स्कारलेट बुक कहा जाएगा इसमें वॉलेट बुक कहा जाएगा ब्रिंग द वॉलेट बुक टू द डीपेस्ट स्टेप्स ऑफ द एरिया जीरो आई प्रॉमिस दैट इट विल बी एन एक्सपीरियंस वर्थ ट्रेजरिंग इफ यू कम ओके गाइस हमें एरिया जीरो में जाना है मतलब ये टाइटन का ही एक क्वेस्ट है और उसकी मदद करनी है हमें आई मस्ट नॉट हाउएवर दैट इज एरिया जीरो इज बोथ होम टू विशेस एंड आउटफिटेड विद पावरफुल साइबरनेटिक ओ साइबरनेटिक सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे किसने लगाया भाई तुम दोनों स्ट्रगल करोगे अगर तुम अकेला हो जाओगे तो हम एक साथ ही जाएंगे भाई यू मे टेक द टाइम टू गैदर सम रिलायबल एलाइज बिफोर यू कम इफ़ यू फील द नीड भाई कितने लेवल गए वहाँ पे और मैं तुम्हारा वेट करूँगा वहाँ पे जब भी तुम आओगे भाई इसके बस कितने पोकेमॉन खतरनाक होंगे अगर ये टूरो एरिया जीरो के डीपेस्ट पॉइंट में वहाँ पे है जहाँ से वो खतरनाक वाले टाइटन भागे हैं बोला जैसे मिराडोन जैसा वहाँ जहाँ पर है डैट प्लेस इज़ बैड न्यूज़ क्यों अच्छा हाँ मोबा स्टिप को तो वहीं चोट लगी थी शायद वहीं इट इज़ वॉट डाउन इन एरिया जोन डेट हाँ मोबा स्टिप को तो वहीं चोट लगी थी और शायद हमारे इसको भी वहीं चोट मतलब कुछ तो हुआ है क्या कहते हैं हमारे मिराडोन को भी कुछ हुआ है
मेंटल ब्लॉक जो है शायद तभी नहीं खुल रहा हो जो इसने बोला था. ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू डू, वी माइट क्या बता ट्रैश में मिल जाए. चलो हम ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डू करने वाले. चले यार चले चल ले. सोच कैसे रहा फटी पड़ी इसकी. आई सपोज ही डिड आस्क, अरे बापू ने पूछा है तो प्यार तो है, जितना गुस्सा प्यार तो है. और मैं ऐसे खड़ा रह नहीं सकता कि मेरा दोस्त अकेले उसमें जाए, क्या कहते हैं, खतरे में. सो गैस आई एम गोइंग टू, गुस्सा भी आ रहा है और मैं अपने डैड को कुछ लेक्चर भी देना चाहूँगा कैसे गुस्से में भाई. ऑल राइट देन अमृत आउटसाइड. क्या भाई वो पोकेमॉन बैटल करेगा कि क्या हम रेडी है कि नहीं एरिया जीरो के लिए. मोस्टली टू सी इफ आई एम रेडी. अच्छा ये कह रहा है कि मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ. वो तो ये बात है. ये एपिसोड बड़ा धाकड़ था, टाइटल भी बड़ा खतरनाक था. और एक बार ये देखते हैं भाई मशीन से कुछ होगा. इट्स अ मिस्टीरियस डिवाइस. और यहाँ से कुछ मिलेगा? ओके सारे नोट्स और वो सब है. तो यहाँ पे इससे फाइट लेनी है तो स्टील वाला रख लेता हूँ या साइकिल सा रखूँ. ड्रैगन और नॉर्मल. ओके मेरे को एक वाटर ड्रैगन मिल गया ना, इसको रख सकता हूँ मैं. या फिर एक और ड्रैगन ढूंढता हूँ, कोई नया होगा तो वो रखते हैं. ठीक है साइकिलिजर को हटा दूंगा मैं. लेट्स गो है हमारे साथ. हाँ इसके साथ हमारी बैटल है, फिर एरिया जीरो की तरफ जाना है. या तो मैं बॉस को रहूँगा जो स्टार बेस है लास्ट स्टार टीम का, या फिर वो गाइस छुप जाते हैं. है ना ये देख रहा है, देख सकते हो. तो गाइस अगला एपिसोड या तो इसके साथ है, या तो ऐसा करते हैं इसके साथ करते हैं फिर एरिया जीरो में जाते हैं, या फिर बॉस को करते हैं. मतलब इसके साथ बैटल कर ही लेते हैं है ना. यहाँ से छुप जाता हूँ भाई. छुप जाओ क्या करेंगे इसके साथ बैटल लेके भाई. एक लेट अगर ये बोबा स्टीफ से फाइट करा तो क्या पता. अगर बोबा स्टीफ से फाइट करा तो उसमें भाई ऐसे करके पूछ जाते हैं. तो चलो गाइस ऐसा करता हूँ, इसके सबसे आगे लेता हूँ. एडियोस टेक केयर शबा गाइस एंड पीस आउट.